वैसे तो सबसे बड़ा भय हमें किस बात का रहता है महाराज? मृत्यु का। सबको लगता बस हम मरे ना, और वही जीवन का परम सत्य है। एक ना एक दिन तो महाराज जाना है, और उसी के निवारण में लगे रहते हैं महाराज, बस हम मरे ना चाहे कुछ हो जाए। अभी कोविड काल में देखिए लोगों ने ना मरने के लिए कितने प्रयास किए कि नहीं, कितने महाराज सिलेंडर ऑक्सीजन के यहां से वहां पहुंचाए गए। तब लोगों को पता चला कि भैया यदि सबसे बहुमूल्य कीमती यदि कोई वस्तु है तो वो हमारी प्राणवायु है, और वो प्राणवायु ही यूं समझिए हमारे प्राण प्रीतम के रूप में हमारे शरीर में विचरण कर रहे हैं। भाई हमारे शरीर में परमात्मा का स्वरूप क्या है? हमारे शरीर में परमात्मा का स्वरूप ये जो श्वास चल रही है, यही तो परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि देखिए आपका शरीर वही रहता, वही आंख, वही नाक, वही हाथ पैर, सारा शरीर वही रहता है, बस नहीं रहती तो श्वास नहीं रहती। इतने में लोग कहते महाराज गया, तुरंत आपके शरीर से ठाकुर जी के प्राणवायु का संबंध टूटा, तो फिर लोग आपको नाम से नहीं पुकारते, फिर कहते महाराज अब ये मिट्टी हो गया। यानी आपकी दुनिया में सत्ता कब तक है? जब तक आपका संबंध प्राणवायु के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा हुआ।